खनिज विभाग की टीम द्वारा बीती रात महाराजपुर टोल प्लाजा के पास अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहे डंपरों को जब्त किया गया है। जब्त किए गए वाहनों के प्रकरण बनाकर कलेक्टर को भेजे जाएंगे। खनिज विभाग की टीम द्वारा महाराजपुर टोल प्लाजा के पास अवैध रूप से गिट्टी का परिवहन करते हुए करीब 6 डंपरों को जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की रात खनिज अधिकारी राजेश गंगेले ने ग्राम महाराजपुर के टोल प्लाजा के पास में देवरी से गाडरवारा की ओर अवैध रूप से रेत परिवहन कर रहे 5 डंपर व 1 डंपर डस्ट जब्त कर वाहनों को देवरी थाने में खड़ा कराया। खनिज अधिकारी राजेश गंगेले ने बताया कि जब्त किए गए वाहनों के प्रकरण बनाकर कलेक्टर को प्रस्तुत किए जाएंगे। SGN न्यूज के लिए देवरी से राकेश यादव की रिपोर्ट। कल देवरी तहसील क्षेत्र में देवरी महाराजपुर गौरझामर में अवैध खनिज परिवहनों की जांच की गई, जिसमें गिट्टी के 5 डंपर जब्त किए गए हैं, जिन्हें देवरी थाने में रखा गया है और 1 डंपर डस्ट का गौरझामर थाने पे रखा गया है। इनके संचालक कौन ट्रक? इनके संचालक देवरी के महेंद्र पचौरी, सुरेंद्र मोहन शुक्ला, दशरथ यादव रेहली और आजाद खान देवरी है। और आगे क्या कार्रवाई चलती रहेगी कि फिर ऐसे ही ढील छोड़ दिए जाएगी लोगों पर? इन पर नियमानुसार मध्यप्रदेश गौण खनिज अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने प्रस्तुत किए जाएंगे, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।